फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार आपको और मुझे बहुत दिनों से था। आज मैं फाइट कराने वाला हूँ टाटा इंडियन ऑयल ट्रक वर्सेस टाटा एलपीटी 1210 के बीच में। देखते हैं दोनों में से आज कौन जीतता है। ये ट्रक इतने ज्यादा भारी है कि यार मैं इन दोनों को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाऊंगा। आज इन दोनों की फाइट कराऊंगा मैं बहुत सारी चीजों के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बहुत ही कमाल की मॉडिफाइड हमर आरसी कार है। इसके अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स लगे हुए हैं। ये है हुइना की एक्सकोवेटर। ये 9 चैनल एक्सकोवेटर है और ये बहुत पावरफुल भी है। तो चलो गाइस फटाफट से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट। देखेंगे इस दोनों में से कौन सा ट्रक आज जीता है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन मैं आपको करके बताने वाला हूं। अगर वेट की बात करूं तो गाइस ये टाटा एलपीटी 1210 बहुत ज्यादा भारी भरकम ट्रक है यार, क्योंकि इसकी जो पीछे की बॉडी है ना कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है और इसके ऊपर हैंड पेंट किया गया है। इस वजह से ये जो कलर है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। इसकी चैसिस भी देखो गाइस कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है। इसका शाफ्ट भी मेटल का बना हुआ है। व्हील्स रबर के बने हुए हैं। अगर लेंथ की बात करूं तो गाइस लेंथ में भी देख सकते हो टाटा एलपीटी 1210 ये इंडियन ऑयल ट्रक के सामने काफी ज्यादा लंबा ट्रक है यार। ये भी ट्रक जो है कंप्लीटली मेटल का ही बना हुआ है। इसकी ये जो टंकी है ना गाइस आप सुन सकते हो कंप्लीटली मेटल की है। यहाँ पर सीढ़ियां भी देखो यार मेटल की ही इसके अंदर लगाई गई है। इसकी भी चैसिस कंप्लीटली मेटल की ही बनी हुई है। तो ये ट्रक इससे थोड़ा सा हल्का मेरे को लग रहा है। बाकी व्हील्स की बात करूं तो इसके अंदर सामने की तरफ इस तरफ 2 व्हील्स है, उस तरफ 2 व्हील्स है, पीछे की तरफ यहाँ पर 4 व्हील्स है, उस तरफ 4 व्हील्स है। कंप्लीटली इसके अंदर 12 व्हील्स लगे हुए हैं। ये इंडियन ऑयल ट्रक की बात करूं तो गाइस पीछे की तरफ 4 व्हील्स है और सामने की तरफ 2 व्हील्स है। ये 6 व्हील्ड वाला ट्रक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में 6 व्हील्स का फर्क है यार। अगर इन दोनों की सामने की कैबिन की बात करूं तो कैबिन दिखने में थोड़ी बहुत सिमिलर नजर आ सकती है। इसके अंदर फॉग लैंप दिए गए हैं पर इसके अंदर फॉग लैंप्स नहीं देखने को मिल जाते हैं। इसका बम्पर प्लास्टिक का है, इसका भी बम्पर प्लास्टिक का है और यहाँ पर दोनों का डिजाइन में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसकी मूंछें दी गई है, इसके अंदर कोई भी मूंछें देखने को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको लुक्स की बात करूं तो मेरे को टाटा एलपीटी 1210 काफी ज्यादा रियलिस्टिक ट्रक लगता है। ओके, इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक सिस्टम देखने को मिलता है। ये पीछे की जो चीज है हम लोग यहां से कंप्लीटली ओपन भी कर सकते हैं गाइस। इसके अंदर कुछ भी हम लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार इसका जो पीछे का ये कैबिन है ना बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। पर इसके अंदर सैडली कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। पर ऊपर के ये जो ढक्कन है ना यार हम लोग ओपन करके इसके अंदर कुछ भी डाल के इसको चला सकते हैं। तो गाइस अब ये हमर मॉडिफाइड कार को अनबॉक्स करते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। इसको मैंने रिसेंटली ही परचेस किया था क्योंकि इसके अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ 3000 रुपीज में खरीदा था। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये इसके अंदर 7.4 वोल्ट की हैवी बैटरी देखने को मिल जाती है। ये है इसका रिमोट। बहुत सारे बटन इसके अंदर देखने को मिल जाते। सामने की तरफ सस्पेंशन है, पीछे की तरफ भी बहुत सॉलिड वाले सस्पेंशन इसके अंदर दिए गए। साइड में यहाँ पे देखो यार ये वाली चीज भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोनों टाटा ट्रक्स के बीच में टोयोटा मेटल ट्रक भी आ चुकी है क्योंकि ये भी कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है। तो आज इसकी भी फाइट मैं कराने वाला हूँ दोनों टाटा ट्रक्स के साथ। चलो अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट। देखेंगे आज की फाइट में कौन जीतता है। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस यहाँ पे मैंने सभी आरसी कार्स और सभी आरसी ट्रक्स को रख दिया। ये दोनों ट्रक्स के बीच में आज एकदम घमासान सी लड़ाई मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले टाटा एलपीटी 1210 को टेस्ट करके देखते हैं। रिसेंटली इसका शाफ्ट टूट गया था यार, वापस से मैंने रिपेयर कर दिया। ये ट्रक हैंडमेड होने के कारण आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार रिपेयर करके वापस से चला सकते हो और रिपेयर होने के बाद ये बिल्कुल नए ट्रक जैसे ही चलते हैं। अब ये टाटा के इंडियन ऑयल ट्रक को भी टेस्ट करके देखते हैं। पिछली बार भी मैं इसको जब चला रहा था इसका पीछे का व्हील सही से घूम नहीं रहा था, इसको भी मैंने रिपेयर कर दिया। अब देखो बिल्कुल एक नए ट्रक जैसा ही ये चल रहा है और दिखने में भाई साहब बिल्कुल रियल टाटा इंडियन ऑयल के ट्रक जैसा ही ये दिखता है। अब टोयोटा मेटल ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं गाइस, आज तक इसके अंदर एक भी दिक्कत नहीं आई है क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स है वो सारे के सारे मेटल के बने हुए। अब मैं मॉडिफाइड हमर आरसी कार को टेस्ट करने वाला हूं। ये कार की सबसे खास चीज है इसके मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स। ये कार बहुत फास्ट चल सकती है और खड़े खड़े टर्न भी हो जाती यार। अब ये कमाल के एक्सकोवेटर को टेस्ट करके देखते हैं गाइस। इसका हर एक पार्ट हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसकी बकेट यहाँ से कंट्रोल हो जाती है, आप इसको मिट्टी खोदने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका बकेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है और इसकी कैबिन भी पूरी तरीके से हम लोग 360 डिग्री तक टर्न करा सकते हैं। ये एक्सकोवेटर बिल्कुल एक रियल एक्सकोवेटर जैसा ही चलता है पर इसकी स्पीड जो है ना यार मेरे को थोड़ी सी स्लो लगती है।
ओके गाइस, सबसे पहले रेस गिराते हैं टाटा एलपीटी 1210 वर्सेस टाटा के इंडियनल ट्रक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। टाटा एलपीटी 1210 आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर इंडियन ऑयल ट्रक इससे भी ज्यादा तेज मेरे को लग रहा है गाइस। देखो इसने बहुत आसानी से टाटा एलपीटी 1210 को ओवरटेक कर दिया है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। मेरे को लग रहा है गाइस ये ट्रक बहुत ज्यादा वजन होने के कारण थोड़ा सा स्लो पड़ चुका है। ओके अब देखते हैं ये इंडियन ऑयल ट्रक टोयोटा मेटल ट्रक को भी रेस में हरा पाता है या नहीं। टोयोटा ट्रक के अंदर इनिशियल पिकअप ज्यादा है, पर इंडियन ऑयल ट्रक की स्पीड धीरे धीरे से बढ़ने लगती है। इसने तो यार काफी आराम से टोयोटा मेटल ट्रक को पीछे कर दिया है। यहाँ पे भी टोयोटा मेटल ट्रक के अंदर मैंने जैसे ही सेकंड गियर लगाया है इसके अंदर अलग ही शक्ति आ चुकी है गाइस। देखो ये कितनी ज्यादा आगे निकल गई है, मेरे को नहीं लगता गाइस इंडियन ऑयल ट्रक इसको हरा पाएगा। ओके टोयोटा मेटल ट्रक की रेस कराते हैं मॉडिफाइड हमर आरसी कार के साथ। मॉडिफाइड हमर आरसी कार काफी ज्यादा आगे निकल गई थी, पर यहाँ पे जैसे ही मैंने गियर चेंज किया है वापस से टोयोटा मेटल ट्रक जीत चुकी है रेस को। अब लोड टेस्ट करने वाला हूँ गाइस, मैं देखते हैं कौन सा ट्रक कितना ज्यादा वेट लेके जा पाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी झाड़ियां हैं, ये सारी की सारी झाड़ियां मैंने टाटा एलपीटी 1210 के अंदर रख दी है। पिछली बार जब मैंने इसका लोड टेस्ट किया था इसका जो शाफ्ट है कम्प्लीटली टूट गया था। इस बार देखते हैं ये चलता है या फिर वापस से टूट जाता है। ट्रक तो बहुत कमाल तरीके से चल रहा है और इसकी स्पीड भी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रही है। मेरे को नहीं लगा था गाइस ये इतना ज्यादा वेट लेकर भी ट्रक चल पाएगा। अब टाटा के इंडियन ऑयल ट्रक के साथ भी सेम टेस्ट करके देखते हैं गाइस। इसके पीछे भी देखो मैंने बहुत सारी झाड़ियां डाल दी है, ट्रक भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है गाइस देखो बिना कोई दिक्कत के, पर इसकी स्पीड है ना यार थोड़ी सी कम हो चुकी है टाटा एलपीटी 1210 के मुकाबले में। अब मैं ये टोयोटा मेटल ट्रक को भी टेस्ट करने वाला हूँ, इसके ऊपर भी बहुत सारी झाड़ियां मैंने डाल दी है। पहले उसको मैं टू व्हील ड्राइव में चला के देखने वाला हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्रेस किया है गाइस ये कार तो बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर रही थी। यहाँ पे इसके अंदर कुछ तो अलग तरीके की साउंड आ रही थी, मेरे को लग रहा है गाइस ये इतना ज्यादा वेट लेकर नहीं चल पा रही यार क्योंकि बहुत ज्यादा वजन रख दिया मैंने इसके ऊपर। ये दोनों टाटा ट्रक्स के बीच में आमने सामने वाली लड़ाई होगी गाइस, देखते हैं कौन जीतता है। इतनी ज्यादा जोरदार टक्कर थी कि यार दोनों के कैबिन हिल गए थे पूरी तरीके से। यहाँ पे टाटा एलपीटी 1210 ट्रक धीरे धीरे करके इंडियन ऑयल ट्रक को पीछे ढकले जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ टू व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है गाइस, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर ज्यादा पावर नहीं बन पा रही है। टाटा एलपीटी 1210 ने भाई काफी आराम से हरा के रख दिया है इंडियन ऑयल ट्रक को। जैसे कि मैंने आपको बोला था टक्कर बहुत जोरदार हुई यार, यहाँ पे देखो इसका बंपर टूट गया है पर इसके अंदर कुछ भी नहीं टूटा है गाइस, इसकी कैबिन बहुत ज्यादा मजबूत है यार। इन दोनों के बीच में अब थगो फोर भी करा के देखते हैं गाइस। टाटा एलपीटी 1210 पुशबैक में तो बहुत आसानी से जीत चुकी थी, यहाँ पे इंडियन ऑयल ट्रक टाटा एलपीटी 1210 के ऊपर काफी भारी पड़ता हुआ मेरे को लग रहा है। टाटा एलपीटी 1210 गाइस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब देखो यार ये अपना जलवा बताना चालू कर चुकी है। जैसे ही ये स्टार्ट हुई है इंडियन ऑयल ट्रक को भाई बहुत खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पे इंडियन ऑयल ट्रक ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है पर इसके ब्रेक भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से क्योंकि गाइस टाटा एलपीटी 1210 फोर व्हील ड्राइव है और ये जीत चुकी है थगो फोर में भी। अब टाटा ट्रक की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं मॉडिफाइड हमर कार के साथ। ओ माय गॉड, बहुत जोर से टक्कर मारी यार टाटा ट्रक ने हमर को, हमर की हालत खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर हमर कार पूरी कोशिश कर रही है टाटा ट्रक को रोकने के लिए, पर आपको पता होगा इस ये टाटा ट्रक कितनी ज्यादा पावरफुल है भाई, चुटकी बजाते ही हरा दिया इसने तो हमर आरसी कार को। अब टाटा ट्रक के सामने आ चुका है एक्सकवेटर, नी बकेट की पावर यूज करके टाटा ट्रक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था पर टाटा ट्रक ने इसको एक झटके में ही हरा के फेंक दिया है। यहाँ पे ये एक्सकवेटर ने भी टाटा ट्रक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया यार, इस बार तो इसका बम्पर पूरा का पूरा टूट ही गया है और एक हेडलाइट भी निकल के नीचे गिर चुकी है। अब टाटा ट्रक की लड़ाई कराते हैं टोयोटा मेटल ट्रक के साथ। टोयोटा मेटल ट्रक शुरुआत से ही टाटा ट्रक को घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पे टाटा ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए, मेरे को लग रहा है गाइस एक्सकवेटर ने जब इसको टक्कर मारी तो यार इसके अंदर कुछ तो टूटा है, इस वजह से देखो ये पूरी पावर लगाकर टोयोटा मेटल ट्रक को रोक नहीं पा रहा है। क्लियरली टोयोटा मेटल ट्रक जीत चुकी है। ओ माय गॉड गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये टाटा के ट्रक्स पसंद है या फिर टोयोटा मेटल ट्रक पसंद है। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है सोहेल, कार्तिक, दीपांश, साहिल, जकरिया, सतीश कुमार, राहुल, शहनवाज, गणेश, उत्सव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।